हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन शेयर हो रहा है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? रिप्लाई करो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। स्क्रीन भी शेयर हो रहा है? यस सर। हाँ बेटा, पहले आपका कोई डाउट है तो वो पूछ लो। जिसका भी कोई पहले डाउट है पूछ लो, फिर मैं कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ केमिकल बॉन्डिंग का। किसी का कोई डाउट है? किसी का भी किसी का प्रॉब्लम है तो बेटा पहले डिस्कस कर लो। चलो कोई बात नहीं, मैं देता हूँ। जिसका कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना बीच में। देखो बेटा, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। कल हमने उसमें पढ़ा था गैसीय स्टेट में, आज कुछ केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं। सब इसमें प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं फर्स्ट आपको। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग स्पीसीज। नंबर वन, ये एग्जांपल दिया बेटा मैंने आपको। और नंबर टू, ये एग्जाम्पल दिया। कैलकुलेट करो बेटा, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो और कैलकुलेट करते जाओ। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, जिससे कि अच्छा से अच्छा प्रिपेयर हो जाए हमारा। मैंने दो एग्जाम्पल दिए आपको। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग स्पीसीज, C2CN4 एंड टॉलिन। हाँ बेटा शिवम, आप देंगे आंसर। जल्दी से आंसर निकालो आप। शिवम, शिवम, आर यू हाँ जी हियरिंग मी? हाँ बेटा, सर, जल्दी से यस। आंसर दो आप। बाकी भी निकालेंगे, बाकी कोई निकालेगा तो वो भी बताएगा, लेकिन मैं क्वेश्चन शिवम से पूछ रहा हूँ अभी। पहले पहले वाले में 9 सिग्मा एंड 9 पाई। वाले अच्छा, एंड सेकंड वाले में बेटा सेकंड भी निकाला है?
दूसरे में 10 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। किसी और का आंसर बेटा, कोई और शेयर करना चाहेगा अपना आंसर? एनीबॉडी एल्स? डज एनीबॉडी वांट टू शेयर हिज आंसर और हर आंसर? देखो बेटा, आपका आंसर सही है बेटा, गुड। तो सी टू सी एन फोर है, तो सी टू है, इथीन है, तो सी डबल बॉन्ड सी, इसके साथ 4 बॉन्ड आएंगे साइनाइड के। साइनाइड जो होता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन एसपी है, तो ये एंगल 180 डिग्री है, इसलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है हमें। यहाँ एंगल 180 डिग्री आ रहा है और ये एंगल 120 डिग्री के आसपास होगा, तो देन हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। तो सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, इनमें भी एक एक सिग्मा, तो सिग्मा हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये करेक्ट आंसर है, 9 सिग्मा हो गए। पाई काउंट करने हैं तो 2 इधर से हैं, 2 पाई यहाँ पर हैं, 2 पाई यहाँ है, 2 पाई यहाँ है और 1 पाई यहाँ है, तो 2 2 4 6 8 9, तो पाई भी 9 है, तो इस केस में सिग्मा और पाई का रेशियो निकालोगे तो 9/9 1 आ जाएगा। और टोलिन की बात करते हैं, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टोलिन? बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप आ जाता है तो उसको टोलिन बोलते हैं। तो आप सारा ओपन करके लिखोगे तभी आपको आइडिया मिलेगा बेटा। तो कार्बन कार्बन, ये कार्बन अटैच हो जाएंगे और अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, कार्बन इधर CH3 है, तो CH3 आ जाएगा, हर एक कार्बन के साथ भी एक एक एच है, तो वो भी आ जाएगा। अब देखो, आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, तो आपके पास सिग्मा है ये, ये हाइड्रोजन तो सारे ही सिग्मा ही देगा, और यहां बीच बीच में देखो ये सिग्मा है और ये पाई है आपके पास, 1 2 3 पाई आ गए। तो इसका मतलब सिग्मा कितने हो गए देखो जरा, तो देखो सिग्मा जो आपके हो गए 6, तो यही हो गए बेंजीन रिंग के अंदर ही, ये इस कार्बन वाले सिग्मा हो गए 6, तो और 6 इधर वाले हो गए हाइड्रोजन के साथ, तो 6 स्केलेटन में हो गए, ये भी सिग्मा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6, दूसरे 12, ये 13 14 15, तो ये आंसर आपका गलत हो गया। तो 15 सिग्मा होंगे और 3 पाई होंगे, सिग्मा और पाई का रेशियो निकालोगे टोलिन में, सिग्मा एंड पाई, तो 15/3, तो 5/1 का रेशियो आ जाएगा। तो दिखने में बहुत आसान लगते हैं बेटा क्वेश्चन, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो कुछ मिसिंग हो जाता है, कुछ मिसिंग होते ही आपका गड़बड़ हो सकता है आंसर। तो बेसिकली बड़ा अच्छी तरीके से करना है, यही मैं आपको देखो इसमें रिहर्सल में ये सिखा रहा हूँ कि आपको कभी भी लाइट नहीं लेना किसी भी एग्जांपल को। मैंने कल भी आपको बोला है कि हमारा पर्पज क्या होना चाहिए, कल क्या बताया था बेटा, हमारा पर्पज क्या होना चाहिए अगर हम सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो क्या सारा पेपर करना, सोल्व करना पर्पज होना चाहिए हमारा, या जितना हम करते हैं वो सही होना चाहिए? सर जितना करते हैं, जितना करते हैं बेटा, चाहे कम क्वेश्चन करें लेकिन वो सारे सही होने चाहिए, जिससे क्या है कि हमारा जो जो टेस्ट, नहीं तो हमें टेस्ट देते रहेंगे कोई फायदा ही नहीं होगा। टेस्ट का फायदा यही हो ना, मान लो पहले टेस्ट में 10 क्वेश्चन सही करना सीखे आपने, जैसे आप वीकली टेस्ट दिया, जो आप फोर्टनाइटली वीकली होता था आपका, तो हर वीक में आपने पहले देखा, तो अब आपका फेज है, तो एटलीस्ट 10 पहले सीखे हुए होते आपके, 10 और सीख जाते तो 20 क्वेश्चन सही होना सीख जाते आप, फिर एक दो बार वो लास्ट में 2-3 टेस्ट और देते तो 10 और सीख जाते। तो ऐसे करके ही जो होता है वो डेवलपमेंट होता है, स्टडी होता है, कि जो मिस्टेक्स हैं वो रुकनी चाहिए, लेकिन जितना हम करें उतना हमारा बेस्ट होना चाहिए। सपोज दूसरा फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको,
हाउ मेनी 120 डिग्री एंगल आर प्रेजेंट इन इथीन। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, जीरो। सेकंड दे दिया मैंने आपको थ्री। थर्ड दे दिया मैंने आपको बेटा सिक्स। फोर्थ मैंने आपको दे दिया नन ऑफ दीज। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आपके पास, हाउ मेनी 120 डिग्री एंगल आर प्रेजेंट इन इथीन, जीरो थ्री सिक्स नन ऑफ दीज। आंसर निकालना बेटा, आंसर निकालो। आंसर दो। अभी मैं अंसार से पूछूंगा। अंसार सुन रहे हो मुझे? अंसार yes, आजा। हाँ बेटा आप आंसर दोगे, आपसे पूछूंगा अभी मैं। सबसे पहला आंसर आपका आना चाहिए, बाकी अगर कोई कर लेगा तो वो भी अपना आंसर शेयर कर सकता है। देखो तो बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बड़े हल्के हल्के, कोई बहुत बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते नीट में, छोटे से क्वेश्चन आते, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ध्यान से आंसर देना होता है। हाउ मेनी 120 डिग्री एंगल्स आर प्रेजेंट इन इथीन। बेटा फायदा जो आपको है वो इसी से होने वाला है। टीचर कितना ही पढ़ाता रहे, वो 5 साल पढ़ाता रहे, तब भी फायदा नहीं है। आप उसका रिफ्लेक्शन कितना देते हो, आप मतलब सीख के आंसर कितना जल्दी करते हो और कितना करते हो, आंसर सही करते हो गलत करते हो, वही चीज आपको सिलेक्ट कराएगी। तो एक तो ये इल्यूजन दिमाग से निकाल दो कि अगर ज्यादा आप नोट्स बना लिए तो उससे सिलेक्शन होगा। अब देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन आया है लेकिन आंसर नहीं आया। मैंने आपके दोनों ऑप्शन रखे थे, आंसर से ही पूछा था, मैंने कहा था कि बाकी स्टूडेंट भी शेयर करो आंसर, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। किसी बच्चे ने किया भी होगा तो वो कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं पा रहा है। और क्वेश्चन देखो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आपने ये 9th 10th में भी ये इथेन इथीन इथाइन पढ़ लेते हो, फिर 11th पढ़ के आए, 12th पढ़ के आए, तो इतने इतने साल पढ़ने के बाद भी नहीं हुआ तो 3 साल और लगा देंगे। अगर हम ऐसा हमारा बिहेव होगा कि आंसरिंग नहीं करेंगे तो फिर उससे हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाले, फिर चाहे 3 साल और पढ़ लें हम, फिर टाइम वेस्टिंग का कोई फायदा नहीं है बेटा। आंसर आ गया सिक्स। किसी और का आंसर? एनीबडी अदर? देखो ये आंसर गलत है बेटा, सिक्स जीरो सर, जीरो इसका आंसर गलत है। इसका आंसर आएगा जीरो। इसका आंसर आएगा जीरो। क्यों मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, ब्रेक हो रहा है बेटा, आपका ब्रेक हो रहा है वॉइस। कल भी मैंने आंसर बताया था जीरो आपका। हाँ ब्रेक हो रहा है आप, बस उसको कल भी आपके आपके कल भी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा था, चेक करो उसको बेटा। देखो इथीन का जो है सी डबल बॉन्ड सी एच और एच है। अब पॉइंट ये है कि ये एंगल अगर सिर्फ ऐसे होता बेटा, थ्री सिंगल बॉन्ड होते, तब ये एक्यूरेट एंगल कितने डिग्री का बनता? तब एंगल कितने डिग्री का बनता? 120 डिग्री का। आपने VSEPR थ्योरी पढ़ा होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अंसार देखो गलती कहां हुई, चूक कहां हुई। देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम होता है। बॉन्ड पेयर से ज्यादा क्या होता है? बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और लोन इससे ज्यादा होता है लोन पेयर, और इनसे भी ज्यादा क्या बताया था मैंने? मल्टीपल बॉन्ड वाला क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड। देखो सीख कितना सीखते हैं हम, आंसरिंग से कितना सीखते हैं हम। अब मल्टीपल बॉन्डिंग है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब ये डबल बॉन्ड है तो, और ये सिंगल बॉन्ड है, अगर इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट अपने समझ ले तो डबल बॉन्ड रिपल्सन ज्यादा करेगा
यहाँ रिपल्सन जो होगा एक्चुअल में ज्यादा होगा, यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, मोर रिपल्सन होगा, दोनों ही साइड में मोर रिपल्सन हो गया। देखो जब बेटा आपका मोर रिपल्सन हो गया तो एंगल यहां पर कितना होगा, 120 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, और ये टोटल जो रहना है तो ये वाला एंगल कितना आएगा बेटा, आप एग्जाम में देखो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप ऐसे पोस्टमार्टम करके करते हैं किसी टॉपिक का, देन नथिंग कैन मैनिकल यू, यू आर ऑलवेज एबल टू गिव ऑल टाइप ऑफ आंसर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विद एक्यूरेसी। अब खुद सोचो, आप कह रहे थे 120 के 3, लेकिन अब आंसर देखो कितना आया, और इवन एनसीईआरटी बुक में डेटा तक दे रखा है, इस एंगल को दिखा रखा है, 120 नहीं दिखाया हुआ उसने, तो ये रिपल्सन हुआ, वीएसईपीआर थ्योरी लगी, यहाँ रिपल्सन हुआ बेटा, यहाँ रिपल्सन हुआ, तो ये एंगल बता सकते हो, आंसर बताओ ये एंगल कितना आएगा, लेस देन 120। समझ गए ना बात, मिस्टेक कहाँ हुआ, तो एक्यूरेट आंसर क्या होगा हमारा, कि कोई भी एंगल अब कितने डिग्री का नहीं रहेगा, अब इसी टाइप से इधर भी आ जाएगा बेटा, ये लेस देन 120 हो जाएगा और इधर वाले मोर देन 120 हो जाएंगे, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा अब हमारा, जीरो। हाँ, इसकी जगह अगर जीरो ऑप्शन में नहीं देता और फिर मैं देता 3, 6 या ऐसे नंबर देता और यहां लिखता हाउ मेनी अप्रोक्स 120 डिग्री एंगल, तो अप्रोक्स 120 डिग्री एंगल है, तब आपका आंसर कौन सा हो जाता बेटा, जो आपने दिया था। क्लियर, चले आगे। यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा, मैं नेक्स्ट इजी सा फिर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसको, मेरा प्रॉब्लम ये है, हाउ मेनी नोडल प्लेन आर प्रेजेंट इन इथाइलीन मॉलिक्यूल, हाउ मेनी नोडल प्लेन आर प्रेजेंट इन इथाइलीन मॉलिक्यूल एंड इज इट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर प्लेन, इन मॉलिक्यूलर प्लेन और परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन। सर अब मेरी वॉइस आ रही है? हाँ अब आ रहा है बेटा। हाँ बेटा, अब मुझे जो आंसर देगा, आप में से कौन पहले अटैच था, ये शरवण कुमार आईडी से किसका है बेटा, शरवण कुमार से कौन है, ब्यूटी है। हाँ सर ब्यूटी। हाँ ब्यूटी, आप बताएंगे ये कि इस क्वेश्चन का आंसर पहले आपको देना है, बाकी जो आएगा वो इसमें से आंसर दे देगा, जो पहले और भी दे सकता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन अब की बार ब्यूटी से है। बताओ बेटा इसका आंसर, हाउ मेनी नोडल प्लेन आर प्रेजेंट इन इथाइलीन मॉलिक्यूल एंड इट इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर प्लेन और परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन। हाँ बेटा, क्या होगा आंसर,
यस बेटा, क्या आंसर देंगे आप? हाउ मेनी नोडल प्लेन आर प्रेजेंट इन इथाइलिन मॉलिक्यूल एंड इट इज इज इट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर प्लेन और परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन? और कोई दे सकता है आंसर बेटा? कोई आंसर देना चाहेगा? क्या आंसर आएगा? कोई और? पहले ये बताओ बेटा, नोडल प्लेन किसको बोलोगे आप? नोडल प्लेन क्या चीज होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में? जीरो होती है जिसमें, दैट प्लेन एट विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो। तो ऐसे कितने प्लेन होंगे बेटा इथाइलिन मॉलिक्यूल में, कोई बता सकता है? चलो बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। अगर आपको इथाइलिन मॉलिक्यूल बनाना है तो इथाइलिन मॉलिक्यूल में कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उसके, वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं कार्बन पे 1 2 3, 120 डिग्री पर अरेंज होते हैं, जो बाद में एंगल बॉन्ड का चेंज हो जाता है। फिर इधर भी कार्बन होता है इसके पास भी बेटा 1 2 3। सपोज ये जिस फ्रंट पर आप देख रहे हो, ये सारे के सारे बॉन्ड जो हैं ऐसे ही होंगे। अब क्या होता है कि इन के पास, इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास 3 आपके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के पास हो गए और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास भी हो गए, और ये सारे के सारे ऐसे ही दिख रहे हैं जैसे बिल्कुल बोर्ड पर चिपका दिए हो, हमने बोर्ड पर कटिंग करके चिपका दिए हो, या हमारा जो टीवी स्क्रीन दिखाई दे रहा है, लैपटॉप स्क्रीन दिखाई दे रहा है, उस पर हमने चिपका दिए हो, मोबाइल स्क्रीन पर ऐसे। तो जब चिपका दिए हैं तो इनके पास क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक एक बेटा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपस में ओवरलैपिंग करेगा, जैसे ये ओवरलैपिंग हो जाएगी हेड टू हेड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, वो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना देंगे हाइड्रोजन। तो ये जितने मॉलिक्यूल या एटम आपको अभी दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल एक प्लेन के अंदर बिल्कुल सामने की तरफ हमारे फ्रंट पर चिपके हुए हैं। अब हर एक कार्बन पर एक पी ऑर्बिटल और है, बिकॉज sp2 है तो एक पी ऑर्बिटल बचा हुआ है, वो पी ऑर्बिटल क्या है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, परपेंडिकुलर। अब मैं यहां आपको विजुअलाइज अगर कराऊं तो कैसे विजुअलाइजेशन होगा, कि जैसे आप पेन रख दो इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर पेन रख दो, तो वो इन तीनों ऑर्बिटल से एक ऑर्बिटल ऊपर और आधा नीचे की तरफ निकला होगा ये पेन। मतलब अगर हम इसमें कागज होता तो इसमें बीच में पेन डाल देते, आधा पीछे एक साइड चला जाता, आधा आगे एक साइड चला जाता। ऐसे यहां भी एक ऑर्बिटल होता है, इस वाले कार्बन पे भी पेन लगा देते आप, तो वो ऑर्बिटल अब कॉपी में तो नहीं दिखा सकते ना, कॉपी में तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं बेटा, जो आपकी तरफ और मेरी तरफ आया हुआ है वो ऐसे दिखा सकते हैं, ये वाला, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हो। तो ये जो होगा इसके पास भी एक एक कार्बन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, बट ये वाला रेड वाला बेटा जो पी ऑर्बिटल है ये प्योर पी ऑर्बिटल है। प्योर पी ऑर्बिटल में क्या होता है कि वो डंबल शेप होता है, तो डंबल शेप होता है तो दो लोब होती हैं, एक लोब ये मान सकते हो कि आपकी तरफ ऊपर की तरफ आई हुई है, एक नीचे की तरफ गई हुई है, और ये आपस में अगर ये बॉन्ड बना लेंगे तो समझ लो कि ये इनका साइड टू साइड ओवरलेप हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। अब पाई बॉन्ड ऐसा समझ सकते हो जैसे हमारी पहले वाले हमने ब्लू वाली जो है बिल्कुल हमने ऐसे एक डिजाइनिंग कर दी, और ब्लू के जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, यहाँ सेंटर पॉइंट था जो ब्लू वाला, इस सेंटर पॉइंट पर हमने क्या लगा दी, एक फट्टा लगा दिया आगे, अलमारी टाइप फट्टा लगा दिया, आगे की साइड भी लगा दिया, पीछे की साइड भी लगा दिया। तो ऐसी एक ये और भी एक बॉन्ड और बन गया, ये जो फट्टे वाला, लेकिन ये फट्टा जो है जो हम कह रहे हैं कि एक हमने कोई टुकड़ा लगा दिया है, फट्टा लगा दिया है, तो ये फट्टा जो है बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे अपना हाथ जो है मोलिक्यूल से परपेंडिकुलर करके रख दो उसके ऊपर, तो इसके ऊपर आपने रख दिया। तो अब जरा ये सोचो कि एक तो आपके पास मोलिक्यूलर प्लेन कौन सा हुआ बेटा, मोलिक्यूलर प्लेन सोचो जरा, जिसमें मोलिक्यूल मेन बना हुआ था प्रिंट, वो मोलिक्यूलर प्लेन कौन से कलर का दिखाई दे रहा है आपको, बोलो बेटा? ब्लू वाला, ब्लू वाला, मतलब ब्लू का मतलब है आपके जो सामने आपने जो भी मोबाइल ले रखा है या जो भी स्क्रीन ले रखी है, वो स्क्रीन जो बिल्कुल फ्रंट पर पड़ी है वो ब्लू कलर है, और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बीच में से एक स्लेट और लगा दी हमने, तो वो जो स्लेट लगाई है जो रेड कलर की है, तो दोनों ब्लू और रेड कलर एक दूसरे के क्या आ गए बेटा,
ब्लू और रेड कलर क्या है? परपेंडिकुलर हो गए, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू किसके आ गई? मोलिकुलर प्लेन के। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी परपेंडिकुलर आ गई मोलिकुलर प्लेन। तो अब अगर मुझे कटिंग करनी हो तो मैं ये वाली कटिंग कर सकता हूं बेटा, ब्लू वाली, बीच वाली। यहां तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, ये वाले यहां पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना इस कटिंग में, ये जो ब्लू के बीच में आप कटिंग कर दो, तो मतलब मोलिकुलर प्लेन के साथ साथ कर दो, आप मोलिकुलर प्लेन के साथ साथ कर दो, तो वो जो मोलिकुलर प्लेन के साथ साथ मिडल में जो सेंटर पॉइंट्स पर जाएगी मोलिकुलर प्लेन के साथ, तो मोलिकुलर प्लेन के साथ जो जाएगी वो मोलिकुलर प्लेन के साथ आपका नोडल प्लेन हो जाएगा। कहने का मतलब मोलिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर पाई इलेक्ट्रॉन है, परपेंडिकुलर पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं है, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट कहाँ बेटा, पैरेलल, किसका पैरेलल, टू मोलिकुलर प्लेन, जो आपका पैरेलल है मोलिकुलर प्लेन का, वहां तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, पाई इलेक्ट्रॉन तो परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, किसके परपेंडिकुलर है पाई इलेक्ट्रॉन, ये परपेंडिकुलर मोलिकुलर प्लेन के, तो इसका मतलब नोडल प्लेन जो हो सकता है परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता, समझ रहे हो बात, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो परपेंडिकुलर है, तो मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है तो हमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो वाला देखना है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ नहीं हो सकती बेटा, परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती तो कहाँ हो सकती है, वो पाई इलेक्ट्रॉन देखना है, जो नोडल प्लेन है ये पाई इलेक्ट्रॉनों के लिए है, क्योंकि बाकी तो मोलिक्यूल ही है, तो हम कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन नोट प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू मोलिकुलर प्लेन, और यही चीज क्या, और यही चीज क्या हो जाएगी हमारा, वो जगह क्या हो जाएगी, नोडल प्लेन। तो एग्जाम में ध्यान रखना आपसे पूछी जाएगी कि इथाइलीन में कितने नोडल प्लेन है, तो इथाइलीन में सेंटर पॉइंट पर कार्बन के सेंटर पर नोडल प्लेन है पाई इलेक्ट्रॉनों का, और नोडल प्लेन सेंटर में है और वो मोलिकुलर प्लेन के साथ है, तो हम आंसर क्या देंगे बेटा, देखो इसका ओवरऑल आंसर क्या हुआ, एग्जाम में ध्यान देना, अगर आ जाए नोडल प्लेन की बात तो बोलोगे कितने नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन है वन, और उसकी जगह कहाँ है बेटा, क्या बोलोगे, वन इन, क्या बोलोगे, मोलिकुलर प्लेन। और अगर यही क्वेश्चन में पूछता पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितने हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी मतलब पाई बॉन्ड कितने हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कितना होगा बेटा, वन, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोजीशन कहाँ आ जाएगी, इन परपेंडिकुलर टू मोलिक्यूलर प्लेन, जो मोलिक्यूल का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। अब देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, अगर वो नोडल प्लेन पूछना चाहता है तो नोडल प्लेन का आंसर दोगे बेटा, अगर आपसे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूछना चाहता है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में बताओगे। क्लियर, अब देखो सर मोलिकुलर प्लेन तो ब्लू वाला था ना, हाँ ब्लू वाला बेटा, मोलिकुलर प्लेन तो दो प्लेन हो गए ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर करेंगे हम, एक ब्लू वाला प्लेन एक रेड वाला प्लेन, तो रेड वाले में पाई इलेक्ट्रॉन है, ब्लू वाले में पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो रेड वाला जो है वो ब्लू से क्या है परपेंडिकुलर है, तो इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो तो कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो पाई इलेक्ट्रॉनों का जो नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन यहां पर हम सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन वाला लेंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉनों का नोडल प्लेन परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता, तो फिर कौन से प्लेन में चला जाएगा वो, भाई एक ऐसे प्लेन होगा और एक ऐसे होगा ना, एक ऐसे होगा परपेंडिकुलर होगा दूसरा, ठीक है, चले आगे बेटा। सर जब वो नोडल प्लेन पूछता है तो सर हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ सिग्मा नहीं देखेंगे बेटा, क्योंकि सिग्मा तो स्केलेटन है ना, वो तो मोलिक्यूल है, स्केलेटन वाला है, मोलिकुलर प्लेन वो तो है ही है, हमें जो पूछा जाएगा नोडल प्लेन यहाँ पर, तो यहाँ किसकी बात करेगा, वो पाई इलेक्ट्रॉनों की बात करेगा, मतलब जो एक्स्ट्रा वाले हैं, ठीक है। सर उसने क्वेश्चन में तो नहीं बोला था कि
वाई का हल नहीं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर था ना, वो तो एटम के ऑर्बिटल थे, ये तो मॉलिक्यूल में देख रहे हैं ना नोडल प्लेन, तो मॉलिक्यूल बनेगा उसके बाद ही तो चेक करोगे, और मॉड्यूल मॉलिक्यूल बनने का मतलब है पहले स्केलेटन बनेगा सिग्मा बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से स्केलेटन तैयार हो गया। अब जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, जहां पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ठीक है या नहीं है, वो नोडल प्लेन है। ओके सर, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा, इसी से मिलता जुलता फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। सपोज मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, C3H4 और एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको C4H4। एक ये पार्ट है, ये एक पार्ट है, और इसमें हमें जो है नोडल प्लेन निकालने हैं और हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। प्रोवाइड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन फॉलोइंग स्पीसीज। C3H4 और C4H4 तो बनाओ बेटा, स्ट्रक्चर बनाओ और फिर नोडल प्लेन निकालो आप, और नोडल प्लेन भी बता दो। चलो थोड़ा सा ये भी बता देता हूं, हाउ मेनी नोडल प्लेन इन ईच स्पीसीज। बनाओ बेटा फिर डिस्कस करते हैं। बनाओ इसमें देखो, जिसका थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसलिए किसी को स्पेशली नहीं दे रहा मैं, जो करना चाहता है पहले आप करके मुझे बताओ। आधा क्वेश्चन इजी है, आधा थोड़ा मुश्किल है, वो डिस्कस करूंगा मैं आपसे। देखो बेटा सॉल्यूशन, फर्स्ट एग्जांपल है C3H4, तो 1, 2, 3 H4 है, साइड वाले जो लास्ट वाले हैं उनको आधे आधे हाइड्रोजन डिवाइड कर दो, ये तो हाइड्रोजन डिवाइड हो गया आपके, टू इसको दे दो, टू इसको दे दो, बाकी कार्बन का वैलेंसी पूरा कर दो बेटा। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? फोर। मतलब कार्बन फोर बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब इस कार्बन के दो हो गए तो टू ये हो गए, इस कार्बन के टू हो गए टू और आ जाएंगे, इस कार्बन के फोर कंप्लीट हो गए, तो ये C3H4 स्ट्रक्चर बन गया, ये हो गया आपका एलीन स्ट्रक्चर। अब बेटा इसको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन निकालें, तो सिंपली देखो जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होता, तो आपको अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, तो इसके कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो चलो हो गया। इस कार्बन का sp2, बीच वाले कार्बन के 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक इधर इधर, तो बीच वाले का sp,
और इस वाले का वापस sp2 हो गया। ये इस वाली स्ट्रक्चर को जो है वो हम एलीन बोलते हैं, एलीन, ये एलीन होती है। अब एलीन का आप थोड़ा विजुलाइज करो कि भाई स्ट्रक्चर कैसे रहा होगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड का देखो, बीच वाले कार्बन के बारे में सोचे तो कोई इशू नहीं है, ये तो sp है। अगर sp है तो इसका मतलब इसके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और 180 डिग्री पर अरेंज हो जाएंगे बेटा, ये तो कोई इशू नहीं, 180 डिग्री पर अरेंज होगी, दो ऑर्बिटल इसके चलेंगे sp और sp। अब ले लेते हैं साइड वाले कार्बन को। अगर मैं साइड वाले कार्बन को लेता हूं, मैं ब्लू कलर कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला कार्बन, तो ये sp2 है तो इसके थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल है। सपोज ये 1 हो गया, ये 120 डिग्री पर 3 अरेंज हो गए, चलो ये भी हो गया बेटा हमारा। तो और एक कार्बन इधर आ जाएगा, एक यहां हो गया कार्बन, एक यहां, एक कार्बन यहां ले लेते हैं, तो ये भी sp2 है तो इसके भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। चलो ये भी कर लिया हमने। लास्ट वालों सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज हो गया, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए। लास्ट वाले जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे, और हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर उन्होंने अपना सिग्मा बॉन्ड बना लिया। इधर भी हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया, इधर भी हो गया, चलो ये भी क्लियर हो गया। ये हेड टू हेड ओवरलैप है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, तो ये ब्लू कलर का पूरा स्केलेटन तैयार हो गया हमारा। ये स्केलेटन क्या हुआ, ये कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, फिर इधर कार्बन, फिर इधर कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन। ये स्केलेटन बिल्कुल उसी दिखने में हमें बिल्कुल उसी जगह दिखाई दे रहा है जैसा हमने बनाया है। सपोज पहले हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, तो देखो बेटा ये बीच वाले कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल तो दो ही हुए हैं ना, और अभी sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो कितने p ऑर्बिटल और रखे हुए हैं कार्बन के पास, कितने और रखे होंगे बेटा, p ऑर्बिटल होते कितने हैं टोटल, px py pz तीन होते हैं ना, px py pz तीन होते हैं, तीन होते हैं। sp का मतलब एक ही p गया है इसके पास, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इस कार्बन का मतलब ये हुआ, इस कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो एक p गया है, तो दो p होंगे जो इस ब्लू कलर से परपेंडिकुलर होंगे। तो ब्लू कलर के परपेंडिकुलर तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया ना, एक तो सपोज परपेंडिकुलर ऐसे आ गया, एक p ऑर्बिटल ऐसे आ गया, और एक p ऑर्बिटल जो होगा बिल्कुल इसका 90 डिग्री पर होगा इन दोनों के, तो मैं उसको कॉपी में तो यहां दिखा सकता हूं ना, ये 90 डिग्री आ गया। अब सपोज इस वाले कार्बन को सिलेक्ट करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन हर एक कार्बन का sp2 था तो दो p चले गए थे, तो इसके पास एक ही p था, वो p जो क्या था वो इनके परपेंडिकुलर आ गया, मतलब रेड वाली लाइन में आ गया, तो यहां से पाई बॉन्ड बना लिया। ये रेड कलर ब्लू कलर के परपेंडिकुलर है बेटा, रेड कलर ब्लू कलर के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब चलो दूसरी साइड देखो, अब दूसरी साइड में यहां पर जो ये वाला है ब्लैक वाला है कार्बन, ये क्या है, रेड और ब्लू दोनों से परपेंडिकुलर है बेटा, रेड और ब्लू दोनों से परपेंडिकुलर होगा ये ब्लैक वाला, तो परपेंडिकुलर मतलब ऐसे होगा जैसे यहां इस कार्बन पर इस जगह में ऐसे पेन रख देता हूं, जैसे मैं रख रहा हूं अभी, विजुअलाइज सोचो आप मन की आंखों से देखो कि आपको यहां मैंने आपने पेन रख दिया जैसे यहां पर, तो पेन तो ऊपर की तरफ उठाया ना, ये पेन जो ऊपर की तरफ उठेगा, अब इसको इसके अंदर बिल्कुल डाल दें तो आधा पीछे आधा आगे आ जाएगा, तो इस टाइप पे देखोगे तो ब्लैक जो कलर है वो ब्लू और रेड दोनों से परपेंडिकुलर आ जाएगा, ब्लैक जो होगा परपेंडिकुलर। अब क्या है कि इस कार्बन के पास एक ऑर्बिटल है, पी इसके पास भी है, लेकिन वो पी बॉन्ड तभी बना सकता है जब इस ये वाला ब्लैक के सामने आए वो, तो उस पी को करने के लिए क्या ये सिग्मा बॉन्ड जो है रोटेट हो जाएगा, रोटेट होकर के, रोटेट होकर के क्या करेगा, जैसे आप इसको फोल्ड कर दो, इसको रोटेट कर दो इसको, तो अपना ये वाला पी ऑर्बिटल उसी की शेप में ले आएगा ऐसे, उससे क्या होगा कि ये और ये भी क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। अब आप एक चीज सोचो, ये वाला पाई बॉन्ड रेड वाला और ब्लैक वाला क्या एक ही प्लेन में होंगे बेटा, नहीं, यस सर,
हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? दिख रहा है स्क्रीन? अब आ रही है? सही है सर, स्क्रीन भी दिख रही है, वॉइस भी आ रही है। हाँ, तो इसमें मैं बेटा क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि जो दोनों पाई बोन्ड होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, रेड कलर और ब्लैक कलर एक दूसरे का, तीन एक्सिस होते हैं ना, एक्स वाई जेड, तो दोनों पाई बोन्ड क्या होंगे एक दूसरे के, परपेंडिकुलर, बिल्कुल और साथ में किसके परपेंडिकुलर होंगे बेटा, परपेंडिकुलर टू द मोलिकुलर प्लेन, प्लान। मोलिकुलर प्लेन के भी परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये रेड वाला पाई बोर्ड जो आपने बनाया इधर, इसको रोटेट करोगे तो ये लाइन तो चलो जो है वो रहेगी, लेकिन ये रोटेट होके अब आपको प्लेन में नहीं दिखाई देगा, ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन आपकी तरफ आ जाएगा और एक पीछे हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा ना, ट्विस्ट होने के बाद यहां पर ब्लैक वाला पाई बोर्ड बनेगा। इसका मतलब पाई बोन्ड कितने हैं, दो हैं, पाई बोन्ड कितने हैं, टू पाई बोन्ड, लगातार कंटिन्यूस टू पाई बोन्ड। तो कभी भी अगर कंटिन्यूस टू पाई बोन्ड हैं तो वो क्या नहीं हो सकते, कंटिन्यूस टू पाई बोन्ड नॉट इन वन प्लेन। तो जितने पाई बोन्ड होंगे बेटा उतने नोडल प्लेन भी आ जाएंगे, दोनों जगह के लिए अलग अलग नोडल प्लेन आ जाएंगे आपके। तो कंटिन्यूस टू पाई बॉन्ड नॉट इन वन प्लेन, तो इसका मतलब आप देखो, आप अब आपके लिए क्या होगा कि जैसे ये ब्लू वाला कार्बन देखो, कार्बन तो हमेशा अपनी जगह फिक्स ही रहना है, ये कार्बन तो आपके फ्रंट पर ही दिखाई देंगे आपको, ये दो हाइड्रोजन भी आपको फ्रंट पर ही दिखाई देंगे, लेकिन ये दो हाइड्रोजन जो देख रहे हो ये आगे पीछे हो जाएंगे बेटा। तो जब भी आपके पास कंटिन्यूस टू पाई बॉन्ड होते हैं, कंटिन्यूस टू पाई बॉन्ड होते हैं मतलब पाई बॉन्ड इवन नंबर में होते हैं, इवन नंबर में होते हैं, तो पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता, दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग प्लेन में होते हैं। तो पाई बॉन्ड अगर इवन नंबर में हो तो हमेशा याद रखना कि वो कैसी स्पीसीज होगी, नॉन प्लेनर, पूरी स्पीसीज बेटा आपकी प्लेनर नहीं होगी, पूरी स्पीसीज हेलो सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो हेलो सर, हाँ C4, H4, सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है सर? हाँ ये C, हाँ बोलो, हाँ सर, वो आपने इससे पहले क्या समझाया, एक मिनट, ये फाइव और इवन नंबर में हो तो वहां से समझा दीजिए, क्योंकि आपकी वॉइस चली गई थी अचानक से। पाई बोन्ड अगर इवन नंबर में होंगे, पाई बोन्ड इवन नंबर में, ये दो पाई बोन्ड हैं, ये दो पाई बोन्ड हैं, दो पाई बोन्ड, टू पाई बोन्ड कंटिन्यूस हैं, कंटिन्यूस टू पाई बोन्ड हैं, तो कभी भी वो क्या नहीं हो सकते, एक प्लेन में नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होते हैं। जो चीजें परपेंडिकुलर है वो एक प्लेन में कैसे होंगी। तो अगर दो का मतलब होता है मैथमेटिक्स में इवन नंबर, दो चार छह आठ ये इवन नंबर होते हैं, जब भी पाई बॉन्ड इवन नंबर में कंटिन्यूस हो तो वो मॉलिक्यूल हमेशा नॉन प्लेनर होगा, प्लेनर नहीं आएगा, क्लियर। अगर मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया अभी C4H4, तो अब देखो C4 है तो H4 है तो C तो बना दो आप 4, और H4 है तो दो दो H डिवाइड कर दो, वैलेंसी पूरी कर दो। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेटा SP2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन SP2 SP, इसका SP, ये SP2। अब देखो इसका मतलब ये पाई बोन सपोज ऐसे बन गया रेड कलर में, तो ये पाई बोन रेड कलर में है तो अगला पाई बोन इसके परपेंडिकुलर होगा, ये सपोज पहला पाई बोन रेड, इसके परपेंडिकुलर सपोज अगला बोन ब्लैक, फिर थर्ड वाला बोन वापिस परपेंडिकुलर ये पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये ब्लैक से अगले वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर मतलब वापिस रेड आ गया। तो अगर मैं यहां और यहां से चेक करूंगा तो ये दोनों प्लेन अब कहां आ जाएंगे,
मतलब पहला पाई बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड किस में आ जाएंगे? सेम प्लेन, सेम प्लेन में। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो अगर आपके पास कंटीन्यूअस थ्री पाई बॉन्ड है, कंटीन्यूअस थ्री पाई बॉन्ड है, तो वो इन वन प्लेन हो जाएंगे। थ्री पाई बॉन्ड है तो इन वन प्लेन। इसका मतलब अगर आपके पास सिंपल याद करना हो आपने, पाई बॉन्ड ओड नंबर में आए, थ्री ओड होता है, ओड नंबर में आ जाएंगे तो मॉलिक्यूल कैसा कंसीडर करना है आपने? प्लेनर, प्लेनर। ये आप की पॉइंट याद रख सकते हो, ये वाला, ये आप नॉलेज क्लाउड याद रख सकते हो कि अगर लगातार इवन नंबर में बॉन्ड है तो नॉन प्लेनर जाएगा मॉलिक्यूल, अगर लगातार ओड नंबर में है पाई बॉन्ड तो फिर मॉलिक्यूल कैसा जाएगा? प्लेनर जाएगा बेटा। तो याद भी कर सकते हो, रट भी सकते हो, समझ भी सकते हो। हर एक व्यू मैंने आपको दे दिया है, जो जिसको समझ आए, जहां से जो क्वेश्चन सोल्व करना सीखे वो अपना कर लो। क्लियर, चले आगे। हाँ, इसमें हम नोडल प्लेन की बात करेंगे, वो तो हर एक पाई बॉन्ड के लिए अलग अलग आएगा बेटा। नोडल प्लेन तो तीन हो जाएंगे, वो तो हर एक पाई बॉन्ड का अपना अलग अलग है ना। एक पाई बॉन्ड के लिए एक नोडल प्लेन होता है, तो तीन जगह वो नोडल प्लेन बनेंगे हर एक, क्योंकि हम पाई बॉन्ड के लिए कंसिडर करते हैं ना, तीन जगह पे अलग अलग पाई बॉन्ड है, तो नोडल प्लेन तो तीन बोलेंगे। लेकिन हमें मॉलिक्यूल बताना है आपका, इतने बड़े मॉलिक्यूल में आपसे नहीं पूछेगा मेडिकल में। मेडिकल में ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है कि मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, ये पूछ सकता है। तो वो आप किससे याद रख सकते हो, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? सिंपल तरीका है आपका, आपका जो क्वेश्चन है वहां फोकस करो आप। इसमें नोडल प्लेन नहीं पूछेगा, वैसे नोडल प्लेन जितने पाई बॉन्ड होते हैं उतने ही होते हैं। जैसे अब ऊपर वाले में मान लो मैं पूछ भी लूं आपसे, वैसे कभी पूछेगा नहीं, मुझे नहीं उम्मीद कि आप लोगों से पूछेगा मेडिकल से, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं इसमें नोडल प्लेन कितने होंगे ऊपर वाले में, जितने पाई बॉन्ड होंगे बेटा। नोडल प्लेन देखो कितने, जैसे इथिलीन में कितने पाई बॉन्ड थे, पहला पहला केस किया था इथिलीन, कितने पाई बॉन्ड थे? वन। तो नोडल प्लेन भी कितना आया था? वन। तो यहां पर कितने पाई बॉन्ड है? टू। तो नोडल प्लेन आप टू बोल सकते हो। इसमें देखो कितने नोडल प्लेन है, इस वाले में कितने पाई बॉन्ड है? थ्री। तो नोडल प्लेन थ्री कह सकते हो, बट आई थिंक वो आपसे, क्योंकि वो मैथमेटिक्स की चीज है, वो आपकी इमेजिनेशन की चीज है, वो इंजीनियरिंग वालों से पूछेगा, मेडिकल से नहीं पूछेगा। मेडिकल वालों से हाँ ये पूछ सकता है कि ये तो हमारे सिलेबस में है कि मॉलिक्यूल कोई पोलर है, प्लेनर है या नहीं है प्लेनर, तो इतना तो बता सकते हैं ना हम कि पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है। तो उसके लिए इजी क्या है आपके लिए, पाई बॉन्ड का, कंटिन्यूस पाई बॉन्ड का इवन और ओड चेक कर लो। अगर पाई बॉन्ड इवन नंबर में है कंटिन्यूस, तो आप क्या बोलोगे? नॉन प्लेनर। और अगर पाई बॉन्ड ओड नंबर में है तो क्या बोलोगे? प्लेनर। ऐसे भी तो याद कर सकते हो, इथाइलीन मॉलिक्यूल कोई पूछ ले आपसे, इथाइलीन, तो इथाइलीन मॉलिक्यूल जिसके दो नाम है, इथाइलीन भी बोलते हो, इथीन भी बोलते हो आप, तो इथाइलीन में पूछूंगा मैं प्लेनर है या पोलर है, तो इथाइलीन में आपको ये ट्रिक यूज करना, आप जो मैंने बताया आपको, आपको ये चेक करना है ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। तो देखो कितने बॉन्ड है पाई, वन पाई बॉन्ड है, तो ओड नंबर है या इवन नंबर है? ओड नंबर है, तो कैसा होगा? प्लेनर तो मॉलिक्यूल प्लेनर आ गया। क्लियर, तो आपके पास पाई बॉन्ड कंटिन्यूअसली अगर रखे हुए हैं और अगर वो ओड नंबर, कंटिन्यूअस जरूर ध्यान रखना, डिसकंटिन्यूअस हो गए तो फिर नहीं, कंटिन्यूअस हैं तो आप पाई बॉन्ड कंटिन्यूअस हैं, तो ओड हैं तो प्लेनर और इवन हैं तो नॉन प्लेनर। जैसे ये कह दूं मैं, ये मॉलिक्यूल दे दिया एग्जाम में, तो मैंने पूछ लिया बताओ ये प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा, इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या है, पाई बॉन्ड काउंट करोगे, कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4, तो आपके पास हो गए 4 पाई बॉन्ड, तो 4 नंबर कैसा है आपका, इवन नंबर है,
इस लेवल का क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके पास. क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, फिर मैंने आपको ये प्रॉब्लम दे दिया, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल. पहली स्पीसीज आपको दे दी NO2 पॉजिटिव, दूसरी स्पीसीज दे दी NO3 नेगेटिव, और एक स्पीसीज दे दी NO2. ये थ्री स्पीसीज है बेटा, इनको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है. तो निकालो सॉल्यूशन इसका. क्या आएगा बेटा आंसर बताओ? ये तो ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है, बस सीधा सीधा सा क्वेश्चन है. NO2 का हाँ बेंट होता है बेटा, शेप बेंट होता है NO2. सो NO2 प्लस NO2 प्लस क्या? सो सबसे पहले NO2 प्लस आएगा. मतलब सबसे पहले क्या ले रहे हो? सबसे पहले क्या ले रहे हो? नहीं सबसे पहले क्या ले रहे हो? पहले क्या बॉन्ड कम या ज्यादा? सर मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था तीनों का, उसका उल्टा कर दिया. बॉन्ड एंगल हमें बताना है, हमें बताना है. हां सर, तो बॉन्ड एंगल बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा होता है ना? बॉन्ड एंगल बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा? एंगल बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा. वो तो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा, बॉन्ड एंगल थोड़ी होता है. अच्छा हाँ. इतने छोटे छोटे बेटा क्वेश्चन में इतना इतना टाइम लगाओगे तो परफॉर्मेंस कैसे दोगे टेस्ट में बेटा? इतने इतने क्वेश्चन में अगर इतना इतना टाइम लगाएंगे हम, और वो भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सीधा जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन.
फिर सबसे कम एनओ थ्री माइनस का होगा, फिर एनओ टू का, फिर एनओ टू प्लस का सबसे बड़ा। सबसे पहले आएगा सेकंड वाले का, उससे ज्यादा थर्ड वाले का, और सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला। इसमें देखते हैं, हम बनाते हैं NO2 पॉजिटिव में सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे आप। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 और प्लस है तो माइनस 1 हो जाएगा बाय 2। 3 वाला हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp2 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग sp2 आ रहा है NO2 का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 नहीं होता, 5 होता है इसका। 5 नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आ गया 4 से 2, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp। sp आ गया तो इसका मतलब n पर जो सिग्मा बॉन्ड दो अटैच होंगे ऑक्सीजन के साथ, दो ऑक्सीजन अटैच होंगे वो 180 डिग्री पर होंगे। रही बात दूसरा ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के साथ ये जो होगा वो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो पाई बॉन्ड अलग बात है, हमें तो सिग्मा बॉन्ड से ही बॉन्ड पता लग जाता है कि 180 डिग्री पर ये एंगल अरेंज हो गया NO2 में। अगर हम बात करें NO3 नेगेटिव में, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे NO3 में तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, नेगेटिव चार्ज है तो इस पर ऐड होगा, तो ये 3 वाला हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ये sp2 हो गया। sp2 का मतलब है नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड अटैच होने चाहिए। अब 3 बॉन्ड अटैच होंगे तो एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड हो गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। बट एक्चुअल स्ट्रक्चर हम क्या रेजोनेंस लगा के ये पाई बॉन्ड को इक्वली डिवाइड करके बनाओगे आप, तो इक्वली डिवाइड करके बना लो आप। तो मैं इक्वली डिवाइड करके बनाऊंगा तो रियल स्ट्रक्चर इसका ये आ जाएगा, तो मतलब सारी कैलकुलेशन सीख लेंगे हम उससे। और ये एक पाई बॉन्ड 3 जगह पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा, और चार्ज एक नेगेटिव है वो भी 3 जगह डिवाइड हो जाएगा, -1/3, -1/3। तो यहां एंगल जो है 3 एंगल बन रहे हैं, तो 120 डिग्री एंगल आ गया। अब आता है NO2। अब हमारे पास NO2 आ रहा है, तो NO2 में तो इवन नंबर है, इसलिए आप हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो निकाल नहीं सकते, स्ट्रक्चर से निकालोगे। तो स्ट्रक्चर में क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी और एक इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास सिंगल है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो दो इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ये अगर पूरा बॉन्ड होता तब तो चलो हम इसकी शेप ऐसा कर लेते, लेकिन अभी जो शेप बन रही है वो हमारे पास बेंड शेप बन रही है। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड दोनों जगह इक्वली डिवाइडेड हो गया और एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये जो एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उस इलेक्ट्रॉन से कुछ ना कुछ तो रिपल्सन बनेगा बॉन्ड का, तो ये एंगल जो होगा वो आपका 120 डिग्री एंगल नहीं रहेगा, 120 डिग्री, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो 120 डिग्री एंगल नहीं रहेगा, जो 120 होना चाहिए था उससे कुछ कम होता है, और ये होता है 115 डिग्री एंगल। तो 115 डिग्री एंगल आता है बिकॉज ये जो है वो रिपेल करता है कुछ लोन पेयर जो होता है इस एंगल को, तो 120 से कम हो जाता है। तो आप चाहो तो एंगल याद हो जाए तो उस वो तो क्या हो जाएगा, वो तो हमारा हो जाएगा डायमंड ऑन जो हो जाएगा, ज्वेल ऑन हो जाएगा थ्रोन, तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आपको एंगल भी याद है तो। और एंगल याद नहीं है तो ये निकालना आए तो जो बच्चे सबसे ज्यादा मार्क्स लेते हैं उनको ये चीजें, ये डेटा याद हो जाते हैं उनको, उनका माइंड इतना तेज वो कर लेते हैं अपना कि ये सब डेटा याद होते हैं उनको, तो वो तो देखते हैं, उनको पता होगा NO2 पॉजिटिव किया था मैंने, बहुत बार किया, टेस्टों में क्वेश्चन आया, बहुत जगह सर ने पढ़ाया, नोट्स में मेरे है, तो एंगल ही याद कर लेगा। तो एंगल याद करेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इवन वो ये भी बता देगा कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये पैरामैग्नेटिक भी है स्पीसीज, यहां तक बता देगा वो, तो पैरा मैग्नेटिक स्पीसीज भी बता देगा। तो एंगल देखो क्या आया, NO2, NO2 का एंगल जो होता है वो 115 डिग्री, तो थर्ड जो होगा वो सबसे कम, फिर उसके बाद 120 डिग्री मतलब सेकंड वाला आया उसके बाद, और सबसे जो बड़ा एंगल आया तो बिकॉज इसका एंगल है 115 डिग्री, इसका एंगल है 120 डिग्री,
और जो हमारा फर्स्ट वाला NO2 पॉजिटिव है उसका एंगल है 180 डिग्री। तो ऐसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज ये डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा, इसलिए जनरली बहुत पूछे जाते हैं। मतलब जो आपका फाइनल एग्जाम होगा या आप जो है PYQ देख सकते हो, प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन जो होते हैं PYQ बोलते हैं उनको, तो PYQ में आप चेक कर सकते हो कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें एक आइडिया रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन की ट्रेनिंग हमको ज़्यादा करनी है, किस तरह के क्वेश्चन हमसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो इनमें जो ज़्यादा बार बार पूछे जा रहे हैं, आप देखोगे कि आपसे जो है बार बार जो किए जा रहे हैं, तो वो आप ज़्यादा जो है दे सकते हो। इसमें मैंने एक मिनट, मैंने शायद एक पॉइंट कर दिया, मैंने NO2 नेगेटिव दिया था या NO2 दिया है, ये नहीं NO2 है तो फिर ये एंगल कम होता है, इसका एंगल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक लेयर है यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, या तो डबल बॉन्ड आ जाता है पार्शियली, तो ये एंगल ज्यादा हो जाएगा, ये 150 डिग्री इसका नहीं आता, ये वो तो तब आएगा जब टू लोन पेयर होते हैं, अगर ये अकेला हुआ तो फिर 134 है, 134, क्योंकि पाइप डबल बॉन्ड कैरेक्टर लोन पेयर से ज्यादा रिपल्सन करता है। हाँ, अगर NO2 नेगेटिव आ जाए, NO2 नेगेटिव और ऐड कर लो, मान लो थर्ड तो आपने क्या किया था, NO2 किया था ना सिर्फ, NO2 फोर्थ हो एक और लिख दो NO2 नेगेटिव, वो भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो NO2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर कर लो, तो यहाँ ये एंगल क्या आया हमारा थर्ड वाले का, ये एंगल जो है वापस दे दो, एंगल हमारे पास एंगल आया 134, 120 किसका आया था, सेकंड वाले का 120, थर्ड वाले का NO2 है तो 134 बिकॉज डबल बोन्ड कैरेक्टर है, और फर्स्ट वाले का 180, तो आपका आंसर ठीक था। और अगर मैंने कहा कि एक ऐड और कर ले हम, एक स्पीसीज और दे देते हैं हम NO2 नेगेटिव, तो NO2 नेगेटिव बनाओगे तो देखो बेटा उसका क्या आएगा, भाई NO2 पॉजिटिव भी आएगा, NO2 नेगेटिव भी दे दिया एग्जामिनर ने, इन्हीं में से घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछता रहेगा। तो जो मैं अभी डेटा बता रहा था वो NO2 का बता रहा था मैं आपको, तो NO2 NO एक और बता रहा था मैं आपको NO2 नेगेटिव, तो NO2 नेगेटिव बनाओगे, NO2 नेगेटिव, तो NO2 नेगेटिव में क्या आएगा बेटा, N एक O नेगेटिव, एक डबल बॉन्ड, दो ही है, हाइब्रिडाइजेशन निकालो पहले, हाइब्रिडाइजेशन 5 प्लस 1 बाई 2 मतलब 3 वाला sp2 में दो ही बॉन्ड हैं, 3 वाला है तो एक लोन पेयर हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड O और एक O का नेगेटिव चार्ज, तो ये जो O का नेगेटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड फिर नाइट्रोजन, कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, ये पार्शियली बनेगा, और यहाँ पर दो लोन पेयर आ जाएंगे, जब सिंगल लोन पेयर होगा तो ये डोमिनेंट होगा बॉन्ड वाला, और जब टू लोन पेयर होगा, इसीलिए मैंने एग्जांपल ये शेयर किया, अगर लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर ये रिपल्सन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, पूरे के पूरे दो डबल बॉन्ड होते तो फिर यहाँ काफी डोमिनेंसी आ जाती, तो फिर ये एंगल जो है जो अभी बता रहा था होके 115 आ जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस याद कर लो, ज्यादा सही रहेगा, क्वेश्चन गलती की कोई चांसेस नहीं होगी, टाइम भी कम लगेगा। तो मैंने आपको एक और दे दिया सपोज फोर्थ नंबर वाला, और फोर्थ कितना एंगल किया आपने 115 डिग्री, तो आप क्या होगा कि अब कब भी आ जाए बॉन्ड एंगल करना हो आपको, तो NO2 नेगेटिव, उसके बाद देखो 120 डिग्री एंगल किसका था, ऊपर देखते जाओ, 120 डिग्री एंगल NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, फिर क्या था NO2 और NO2 पॉजिटिव। बेटा रट लो, हो सकता है फाइनल एग्जाम में मिल जाए, ये क्वेश्चन काफी प्रोपिशियस एग्जांपल है, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, फिर NO2, फिर NO2 पॉजिटिव, इधर से इधर जा रहे हो, इवन ये बॉन्ड एंगल है और आप इस बॉन्ड एंगल का
इंक्रीजिंग ऑर्डर भी देख रहे हो। एक हाँ कल हमने क्वेश्चन किया था, वो मैंने चेक किया था, उसमें एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम था। एक तो उसमें हमने पूछा था क्या कि UMPS, ये था ना कल एक क्वेश्चन, UMPS ऑफ 8 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन थी शायद, UMPS ऑफ 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज 200 मीटर पर सेकेंड था। और फिर क्या था, उसने ऐसे लिखा हुआ था एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन किया था ना कल हमने, आपकी क्लास में किया था ना, मुझे याद आ रहा है, या किसी और क्लास में था? हाँ, तो UMPS 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज 200 ms था और ये एवरेज लिखा हुआ था। मिस्टेक क्या था, एक तो ये एवरेज नहीं, हमसे सिर्फ कैलकुलेट अगर अमाउंट दे दिया है तो काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं हम, और दूसरा हम एक कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे थे। वो क्या मिस्टेक थी, जनरली हो ही जाती है वो, मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताई थी और हमसे जो कल अपने कर रहे थे तब भी हमने ध्यान नहीं दिया। तो हमें ये था कि UMPS, UMPS का फार्मूला क्या होता है बेटा, √2 RT/m। ध्यान देना, देखो अब कितनी प्रैक्टिस के बाद भी मिस्टेक रह जाती है, 2 RT/m। तो UMPS कितना दिया हुआ था हमें, 200, और 2 RT और m, देखो UMPS कौन से यूनिट में रखा हुआ था, मीटर पर सेकेंड में, और हमें मोलर मास, आपको याद हो तो मैंने बताया था मोलर मास ग्राम में नहीं रखना होता, यही गलती कर रहे थे हम बार बार, देखो मिस्टेक ये होती है ये। तो m किस में रख रहे थे हम, m की वैल्यू क्या रख रहे थे हम, हाइड्रोजन का मोलर मास, कल याद आ रहा है, 2 रख रहे थे, लेकिन 2 तो ग्राम होता है ना, 2 तो ग्राम होता है, और SI यूनिट में निकाल रहे हैं, तो मैंने बताया था ना कि एम रखते हो ग्राम में रखो तो साथ में क्या रखना पड़ेगा हमें, इसलिए याद ऐसे ही कर लो इसको, अगर ये ग्राम में लेना है, क्योंकि ज्यादातर ग्राम में लेते ही है, तो उसके साथ 10-3 भी करो, तो 2m रखोगे इंटू 10-3, फिर कैलकुलेशन सही हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 200 स्क्वायर हटा देते हैं, अंडर रूट हटा दोगे तो इधर स्क्वायर कर दोगे, 200 का स्क्वायर क्या रह जाएगा हमारे पास, RT/10-3। तो RT की वैल्यू क्या आएगी निकाल लो, RT = 200 × 200 स्क्वायर, ये आ गया, और × 10⁻³, तो इससे कैंसिल हो जाएगी ना जीरो, तो कितना रह जाएगा RT का वैल्यू, देखो हमारे पास 40। अब हमें क्या निकालनी थी, काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन में मिस्टेक ये भी था कि एवरेज नहीं निकालनी हमें, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, क्या फार्मूला था, नंबर ऑफ मोल इंटू काइनेटिक एनर्जी एवरेज या पर मोल। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल हमारे पास निकालनी है, एन दे रखा था उसने, नंबर ऑफ मोल्स 8 ग्राम थे तो मोलर मास 8/4, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 3/2 RT। RT की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके थे, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो 8/4 3/2 RT की वैल्यू आ जाएगी 40, तो ये 8 कैंसिल, यहां से हमारे पास आएगा कितना आंसर आ रहा था कल हमारा, कल कितना आंसर कह रहे थे हमारा आ रहा है 3/2 RT, अभी कितना आ रहा है हमारा 8, ये 2 है, ये 2 है, मोलर मास 2 होता है ना, 2 2 4, ये 2 आ गया, तो ये कितना आ गया 2 हो गया, तो कितना हो गया 3 2 6 4 24, तो 240 जूल आ गया। हाँ, तो इसमें क्या मिस्टेक था, एक तो उसने क्वेश्चन कह रहा था कि हमें क्या निकाल के दो, हमें एवरेज, तो एवरेज नहीं है, ये कौन सी एनर्जी आएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज निकालनी है तो कितनी आएगी, अगर एवरेज पूछेगा तो फिर आंसर क्या होना चाहिए, अगर वो एवरेज पूछता तो सिर्फ कितना आंसर आता, 3/2 RT, तो 3/2 RT की वैल्यू निकाल दी थी आपने पहले 40, तो ये आ जाएगा 20, फिर कितनी आ जाएगी 60 जूल। अगर एवरेज निकालनी है तो इसी क्वेश्चन में अगर एवरेज देना आंसर तो फिर 60 देना चाहिए, बट उस क्वेश्चन में एवरेज काइनेटिक है, 60 तो ऑप्शन ही नहीं दिया था मेरे ख्याल से उसने, अच्छा क्वेश्चन थे नहीं आपके पास, अगर 60 वाला ऑप्शन ही नहीं है तो समझ लेना कि एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी कुछ भी लिखा हो तो हमें टोटल पूछ रहा है वो। और दूसरा ये वाले क्वेश्चन पर हमेशा ध्यान देना बेटा,
पे अटेंशन, यू नीड टू पे अटेंशन लाइक दिस, या तो फार्मूला ऐसे याद कर लो, जो भी यूएमपीएस का या यूआरएमएस का या किसी का भी याद करते हो वो याद ही इससे कर लो कि m लिख के इनटू 10 माइनस 3 यूज कर लो। या ध्यान रखो, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड कि जो मोलर मास होगा वो किस में रखना होगा, इन विच यूनिट, वी वांट टू कीप इन SI यूनिट, तो SI यूनिट का ये 10 माइनस 3 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, चलो मुझे याद आ गया तो ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट देखो, अगर आपका कंपेयर द बोन लेंथ ऑफ बोरोन फ्लोरीन बोन इन नंबर वन BF3 और नंबर टू BF4 नेगेटिव, आल्सो कंपेयर बॉन्ड एंगल, तो आपको बताना है बॉन्ड एंगल हेयर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल जो BF3 है और BF4 नेगेटिव है, इसमें बॉन्ड लेंथ x है, ये y है, और बॉन्ड एंगल जो है ये थीटा है, ये सपोज फाई है, तो कंपेयर करो इसमें, कैलकुलेट द कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड इन BF3 एंड BF4 नेगेटिव एंड आल्सो कंपेयर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल भी कंपेयर करने हैं और बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर करनी है। बताओ बेटा आंसर, बताओ क्या आंसर दोगे? हाँ बेटा आंसर, आवाज आ रही है मेरी? सुन रहे हो बेटा मुझे?
हेलो। यस सर। आंसर तो बेटा बहुत टाइम लेते हो, जल्दी दिया करो आंसर बेटा। आपके आंसर में टाइम जितना लगना चाहिए एवरेज उससे ज्यादा लग रहा है। बीएफ मतलब बीएफ, आप एक्स वाई के टर्म में बताना है आपको, किसमें छोटा होगा किसमें बड़ा होगा, बोन लेंथ किसमें छोटा होगा किसमें बड़ा होगा, और बोन एंगल किसमें छोटा होगा किसमें बड़ा होगा। मतलब एक्स और वाई में बताना है कौन बड़ा होगा, थीटा और फाई में बताना है कौन बड़ा होगा। सर बॉन्ड एंगल BF4- का छोटा होगा। BF4- का छोटा होगा BF3 से। अच्छा, और बॉन्ड लेंथ अच्छा आपको कुछ याद आ रहा है? BF3 में कुछ स्पेशल टाइप का बॉन्डिंग था कोई? BF3 में कुछ स्पेशलिटी था इस टाइप का बॉन्डिंग? बनाना बॉन्ड बनाना बॉन्ड तो बेटा नहीं था इसमें। इसलिए रिमस में इलेक्ट्रॉन को डोनेट हाँ, उसका नाम होता है बेटा स्पेशल, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो, तो उसका नाम होता है, कुछ पढ़ते हैं उस बॉन्ड को। बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, वेरी गुड। तो आंसर का जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत स्लो है आप लोगों का ना, उसको आपको फास्ट करना है। बहुत ही कम, बहुत स्लो आ रहा है आपका। मतलब ड्रॉपर के बच्चे की ये स्पीड नहीं होनी चाहिए बेटा। डॉक्टर बनना है तो स्पीड को बढ़ाना है, इतनी स्लो मेमोरी से काम नहीं चलेगा बेटा। क्योंकि देखो आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इस बार कट ऑफ का आइडिया लग रहा है आपको कितना कट ऑफ जाएगा? अरे एक और अप्रोक्सीमेट 600 का कट ऑफ कह रहे हैं, तो हमें सारा पेपर भी आएगा। अगर सारा का सारा पेपर भी आता हुआ और ये स्पीड रही क्वेश्चन करने की हमारी, तो बेटा फिर तो हमारा ये 600 जो है अप्रोच करने में काफी डिफिकल्टी आएगा। तो अभी बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं कि भाई आपको स्पीड भी बढ़ाना है, क्वेश्चन की आंसरिंग करनी है। कितना क्वेश्चन करना होता है बेटा? देखो आप, एक थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि आप एनालिसिस करते हो इन चीजों का कि पेपर है, पेपर कितनी देर में किया है, जैसे आपके टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बात करो, केमिस्ट्री सिस्टम क्वेश्चन आते हैं, कितना क्वेश्चन आता है? 45 क्वेश्चन होता है ना बेटा, तो 45 में आप कितना टाइम दोगे इसको? भाई आपका टाइमिंग टोटल कितना है आपके पास? स्ट्रेटेजी भी तैयार किया करो बेटा, जो भी काम किया जाता है ना उसका स्ट्रेटेजी भी मैटर करता है। टोटल 3 आवर्स हैं, 3 आवर में 50% वेटेज तो चलो आपका बायोलॉजी का हो गया, बहुत बड़ा वेटेज है वो, बायोलॉजी का हो गया। तो बायोलॉजी का वेटेज तो काफी बड़ा है, तो सबसे ज्यादा मार्क्स तो उसमें आपको गेन करने हैं, और जल्दी गेन कर भी सकते हो। तो अप्रोक्सीमेट कितना टाइम मान के चलते हो आप उसको दोगे? 1 आवर। वन से वन पॉइंट हाँ बिल्कुल सही है, 1 से 1:15 आवर तो इसी को देंगे ना, ठीक है? तो इसमें और आप क्या है, केमिस्ट्री को है तो एटलीस्ट 45 मिनट दोगे आप, और फिजिक्स को एटलीस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, अपनी कैलकुलेशन है उसमें, तो उसकी 45 क्वेश्चन करने में कितना टाइम देना होगा? अप्रोक्सीमेट हम 1 आवर देंगे ना, 1 आवर देंगे ना। एक जनरल कैलकुलेशन है, तो इसका मतलब 45 मिनट आपके पास केमिस्ट्री के लिए है। हाँ, फिजिक्स में क्वेश्चन कम करोगे तो थोड़ा सा टाइम इधर आप दे सकते हो, बट एवरेज अगर हम करें तो एक जो मतलब पैरामीटर है 45 में 45 क्वेश्चन, तो पर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम आया देखो हमारे पास एवरेज? पहले 1 मिनट में हो जाना चाहिए ना क्वेश्चन, और वो भी कैलकुलेशन हुई तो देखो फिर हम 1 मिनट में तो हो नहीं सकती, तो एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन को हम 1 मिनट से भी कम करना चाहिए हमें, एक से भी कम करेंगे तभी तो वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को दे पाएंगे टाइम। तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, उस फाइट करना जो होता है एग्जाम में, फाइट करने में बहुत सारी चीजें और भी माइंड में रखनी होती हैं। तो अब क्या होगा आपको फटाफट, एक बात तो ये पता होनी चाहिए कि BF3 है, बोरोन कोई वैकेंट इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंगल 120 डिग्री परफेक्ट एंगल होगा, और BF4 फोर बोन्ड है, तो बोन्ड एंगल कितने डिग्री का हो गया? याद होने चाहिए डेटा बेटा,
ये sp2 hybridized है perfect और ये sp3 hybridized है, तो sp3 hybridized है तो 109 degree 28 minute आना चाहिए और इसका ही आना चाहिए। पहला पॉइंट तो ऐसे ही सीधा सा हो जाना चाहिए था। दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए था कि ये बोरोन ट्राइहेलाइड है, बोरोन ट्राइहेलाइड का स्पेशल टॉपिक करते हैं और हर साल मैं तो देखता हूं कि हर साल क्वेश्चन आता है किसी ना किसी एग्जाम में बोरोन ट्राई फ्लोराइड में स्पेशली आपने पढ़ा है बैक बॉन्डिंग है, तो जो बैक बॉन्डिंग है वो तो आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए था, मतलब आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है, लिखते भी थे अपने, लिखते हैं नहीं लिखते हैं अपने थ्योरी करते टाइम कि ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करते हैं ना, तो इसका मतलब इस पे तो बिल्कुल फोकस चीते की तरह आपका नजर होना चाहिए उसके ऊपर कि ये बैक बॉन्डिंग वाला आ गया बी एफ थ्री वाला, तो यहाँ तो बी और फ्लोरीन के बीच बैक बॉन्डिंग होती है, वापिस फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन देता है ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है तो बी एफ थ्री में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होती है क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, यहाँ बोरोन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसलिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था, अगर वैकेंट ऑर्बिटल था तो बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी जिसको पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बोलते थे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिमाग में तो सबसे पहले आना चाहिए पी पाई बॉन्डिंग है बी एफ थ्री में, मतलब पाई बॉन्ड है बी एफ में, तो आप बताओ यहाँ बी एफ में डबल बॉन्ड है और यहाँ बी एफ में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, तो किसकी ज्यादा बी एफ थ्री में जो है बॉन्ड लेंथ छोटा होगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ बी एफ फोर नेगेटिव का आना चाहिए, और ये तो जनरल क्वेश्चन है बेटा जो कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं आपसे, ऐसा क्वेश्चन तो जनरली आपसे पूछा ही जाता है। फिर देखो कुछ मैंने आपको मॉलिक्यूल बताए थे जो एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसकी नॉट एग्जिस्ट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एन एच थ्री भी बनता है, एन एफ थ्री भी बनता है, पी एच थ्री भी बनता है और पी एफ फाइव भी बनता है, पी एफ थ्री भी बनता है, एन एच थ्री एन एफ थ्री बनता है, लेकिन एन एच फाइव नहीं बनता, एन एफ फाइव भी नहीं बनता और पी एच फाइव भी नहीं बनता, पी एच फाइव भी नहीं बनता, तो इसमें क्वेश्चनिंग थी ना आपकी कि भाई आप एन एच थ्री तो बनाते हो लेकिन एन एच फाइव नहीं बनाते, क्वेश्चन तो ये होता है। दूसरा क्वेश्चन बनाते हो आप पी एफ थ्री तो बनाते हो लेकिन पी एफ फाइव, लेकिन पी एच फाइव नहीं बनाते फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन आ जाए, तो ऐसे आपको याद रखने हैं कि हाइड्रोजन के साथ कौन कौन से जो हैं वो आपके कंपाउंड नहीं बनते हैं, नोट एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड, तो Which of the following compound or molecule are not exist? Number one, pH 5. नंबर टू एस एच सिक्स, नंबर थ्री एस आई एच सिक्स टू नेगेटिव और नंबर फोर सी एल आई थ्री, और एक क्वेश्चन ये Which of the following molecules are exist number one PF5 number two SF6 number three SIF62 negative
नंबर फोर सी एल एफ थ्री। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, और नीचे वाले भी बताना है कौन सा एग्जिस्ट करता है। तो क्या आंसर देंगे देखो आप। सर ऊपर वाला में वन नंबर होगा ना, नोट एग्जिस्ट, तो जरूरी नहीं है एक आंसर हो। मैं तो क्वेश्चन लिखे हैं, कोई जरूरी नहीं है एक आंसर। आपको सोचना है कौन से एग्जिस्ट करेंगे कौन से नहीं एग्जिस्ट करेंगे। Which of the following compound or molecule are not exist? देखो बेटा हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके पांच या छह नंबर थर्ड पीरियड वालों के साथ अटैच ही नहीं हो सकते। इसलिए फास्फोरस कौन से पीरियड का है देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल को दिमाग में लाओ। थर्ड, थर्ड का है, फास्फोरस भी थर्ड का है, ये सिलिकन भी थर्ड का है, फास्फोरस भी सल्फर थर्ड का है, और सल्फर भी थर्ड का है, तो तीनों ही नहीं बन पाएंगे ना, तीनों ही नहीं बन पाएंगे ना। और तीनों इसके बाद बन जाएंगे हैलोजन के साथ, बनाएंगे हैलोजन के साथ, बन जाएगा ये, बन जाएगा ये, बन जाएगा। क्लियर। अब पॉइंट रह गया इन दोनों का। अब देखो कभी भी ऐसा कंपाउंड नहीं बन सकता जिसमें हैलोजन के साथ, हैलोजन कभी भी बनाओगे तो हैलोजन में, इनको बोलते हैं ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं इंटर हैलोजन। क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड को, क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड को, इंटर हैलोजन। इंटर हैलोजन मतलब दो टाइप के हैलोजन। जब भी कोई आपके पास इंटर हैलोजन कंपाउंड है, इंटर हैलोजन कंपाउंड में आपने याद रखना है कि सेंट्रल हैलोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और साइड हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो देखो Cl(III) में सेंट्रल हैलोजन है, Cl(III) में ये जो क्लोरीन है ये सेंट्रल हैलोजन है, अकेले वाला सेंट्रल होगा, और आयोडीन साइड हैलोजन है, और इधर देखो क्लोरीन सेंट्रल हैलोजन है और फ्लोरीन साइड हैलोजन है। तो ऊपर वाले स्पीसीज Cl(III) में देखो साइड हैलोजन क्लोरीन से आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी या कम होगी, क्लोरीन से आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा या कम होगा बेटा, कम होगी। क्लोरीन से आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा कम होगा, आयोडीन साइड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इधर देखो क्लोरीन से फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो हैलोजन ज्यादा वाला है या कम वाला है, सर ज्यादा मोर वाला। और कोई भी इंटर हैलोजन किस टाइप वाला एग्जिस्ट करेगा, फोर एग्जिस्टेंस, क्या बताया मैंने साइड हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसलिए आप कभी भी ये कंपाउंड का फार्मूला नहीं पढ़ोगे Cl(III), हमें Cl(Br)3 जरूर पढ़ दोगे, नहीं ये Cl(F)3 जरूर पढ़ लोगे कि क्लोरीन से फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और BrCl(III) पढ़ लोगे बिकॉज ब्रोमीन से क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एग्जिस्टेंस आएगा, और अगर साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो एग्जिस्टेंस नहीं आएगा। इसका मतलब चारों के चारों ध्यान रख लेना बेटा, ऊपर वाले एक तो हाइड्रोजन के साथ वाले और एक जो है आपस में हैलोजन, तो हैलोजन में जो साइड वाली हैलोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तभी वो एग्जिस्टेंस होगा, अदरवाइज एग्जिस्टेंस नहीं होगा। क्लियर। चलो बेटा मैंने आपको फिर सिखाया, देखो आज
कि क्वेश्चन करते टाइम एक तो टाइमिंग का ध्यान रखो कि भाई टाइमिंग कहाँ कम ज़्यादा लगा सकते हैं, दूसरा जिस टॉपिक को काफ़ी इंपॉर्टेंस है टॉपिक की वो तो बड़े अच्छे से रट लो, चार चार पाँच पाँच बार लिख लिख के याद करो, रट लो उसको अच्छे से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन गलत होना अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है बेटा, क्योंकि ये तो ऐसे क्वेश्चन हैं केमिकल बॉन्डिंग वाले जो हर कोई सही करके आएगा जिसने भी प्रिपेयर किया अच्छे से। ठीक है, ओके बेटा, नाउ आई एम लीविंग, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू।